हेलो, आज हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स मॉडल के बारे में। ई कॉमर्स मॉडल में कौन कौन से मॉडल आते हैं, इसमें हम लोग पहला मॉडल डिस्कस करेंगे B2C। यहाँ पे दो लेटर है बी और सी। बी का मतलब है बिजनेस और सी का मतलब है कंज्यूमर। तो B2C बिजनेस का क्या मतलब होता है? तो B2C मॉडल ई कॉमर्स मॉडल में इसका मतलब होता है अ बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू अ कस्टमर थ्रू इट्स ऑन वेबसाइट। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डोमिनोज वेबसाइट। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो C2B, सी का मतलब है कंज्यूमर और बी का मतलब है बिजनेस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेयर एन इंडिविजुअल स्कैटर्स हिज आर हर सर्विसेज टू मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स, एग्जाम्पल अपवर्क। अब हम जो है दूसरा अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो दूसरा जो है मॉडल है B2B। यहाँ पे वही B का मतलब बिजनेस और दूसरे B का मतलब भी बिजनेस ही है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कि अ बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू एन इंटरमीडियरी टू अनदर बिजनेस और वेंचर। एग्जाम्पल है इसका इंडिया मार्ट। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या याद रखेंगे? इंडिया मार्ट। दूसरा मॉडल है ई कॉमर्स का C2C। यहाँ पे सी का मतलब कंज्यूमर और दूसरे सी का मतलब भी कंज्यूमर ही है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कंज्यूमर्स कैटर्स टू अदर कंज्यूमर्स थ्रू अ वेबसाइट। इसका एग्जांपल ईबे का ले सकते हैं, OLX का ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है B2A। B2A का मतलब है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे क्या होता है? फिर बिजनेस कैटर टू एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट। ठीक, जहां पे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, यहां पे होना क्या है? यहां पे ये होना है कि बिजनेस कैटर टू एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट। नेक्स्ट C2A। C2A का क्या मतलब है? C का मतलब यहां पे है कंज्यूमर और A का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट थ्रू अ वेबसाइट पोर्टल और एप एन एप्लीकेशन। ओके, ये हमारा जो था ई कॉमर्स मॉडल था। थैंक यू।